वेलकम अगेन फ्रेंड, वेलकम इन अनदर वीडियो। इस वीडियो सीरीज में हम पोस्टर को लेकर बात कर रहे हैं कि पोस्टर को ड्रा कैसे करें, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स से, एमपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक टाइटल दिया जाएगा और कुछ क्लूज दिए जाएंगे कि आपको इस टाइटल और क्लूज की हेल्प से एक पोस्टर डिजाइन करना है, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसे आप एक सुटेबल टाइटल देकर, एक जो सुटेबल टाइटल दिया होता है उस टाइटल की हेल्प से आपको एक अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर ड्रा करना होता है, और जिसमें इंस्ट्रक्शन आप देते हुए लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, ऐसा पोस्टर आपको ड्रा करने के लिए एग्जाम में आता है। तो अगला पोस्टर है बम ब्लास्ट का पोस्टर, जिसपे क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद इसे ड्रा कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें क्लूज दिए हुए हैं, ढेर सारे क्लूज दिए होते हैं। इन क्लूज को यूज करके हमें पोस्टर ड्रा करना है, पोस्टर अट्रैक्टिव, इफेक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पोस्टर पे क्वेश्चन क्या दिया होगा और क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन एमपी बोर्ड के 12th क्लास स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन होता है डिजाइन एंड अट्रैक्टिव, डिजाइन करना है एक अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला, एंड इंस्ट्रक्टिव, जो इंस्ट्रक्शन दे, सलाह दे, सुझाव दे लोगों को। पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ, पोस्टर ऐसा बनाना है कैसा, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव बनाना है, सॉरी इफेक्टिव एज वेल एज इंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे वो पोस्टर। ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस, इंदौर पुलिस की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस, किसकी ओर से, इंदौर पुलिस की ओर से आपको ये पोस्टर डिजाइन करना है। टू एजुकेट, टू एजुकेट, एजुकेट करना है लोगों को, जागरूक करना है। एंड वार्न, और लोगों को चेताना है, उन्हें जताना कि, उन्हें बताना है इस चीज को कि द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल। तो लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें जागरूक करना है और चेताना है लोगों को, इसलिए अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल मीन्स लावारिस पड़ी चीजों के लिए, कि उन्हें उन चीजों से दूर रहना है, इन सारी चीजों के बारे में चेताना है उन्हें, उन्हें जताना है। तो वो चीजें कौन सी हो सकती है, लाइक डॉल्स हो सकती है, गुड़िया हो सकती है, छोटी सी खिलौने वाली गुड़िया हो सकती है, टिफिन बॉक्स हो सकता है, टिफिन बॉक्स में भी बम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि टाइटल के साथ ही हम समझ रहे हैं कि हमें डिजाइन करना है, बम ब्लास्ट का पोस्टर बनाना है, ठीक है। ये सारी चीजें बम हो सकती हैं, कैसे, डॉल्स हो सकती है, डॉल्स में भी बम हो सकती है, मूवी में आपने देखा होगा छोटी छोटी डॉल्स होती हैं जिन्हें ले जाकर कहीं भी दूसरी जगह पे बम ब्लास्ट करने के लिए, डॉल का, डॉल का स्ट्रक्चर तो होता है पर वो वाकई में बम होता है, तो डॉल्स हो सकती है। टिफिन बॉक्स हो सकता है, टिफिन बॉक्स ऐसे ही कहीं पब्लिक प्लेस पे पड़ा हो सकता है, उसमें भी बम हो सकता है। फिर इसके बाद आगे बात करेंगे सूटकेस, जिस हो सकता है वो भी पब्लिक प्लेस में पड़ा हो, जिस चीज के बारे में हमें मालूम ना हो, जिस जो चीज हमारे लिए अनक्लेम्ड हो, मीन्स उसका कोई वो लावारिस पड़ी हो, जिसका कोई मालिक ना हो, वो सारी चीजें बम हो सकती हैं। जैसे ये सारी चीजें दी हुई हैं, बैग्स भी हो सकते हैं, उनमें बैग्स में भी बम हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, रेडियो भी आपके हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकती हैं, आपके मोबाइल जो होती है वो भी बम होती है। आपने मूवी भी देखा होगा, मोबाइल होती है, मोबाइल रखी हुई होती है, उसको कोई और दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा होता है, अपने टाइम के हिसाब से बम ब्लास्ट कर देता है, तो मोबाइल्स भी आपकी बम हो सकते हैं। लाइंग इन अ पब्लिक प्लेस, ये चीजें कहाँ पड़ी होती हैं, पब्लिक प्लेस में पड़ी हो सकती हैं, पड़ी होती हैं, ठीक है। ट्रेन में मिल सकती हैं ये सारी चीजें, ट्रेन में भी मिल सकती हैं और बसेस में भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो इन सभी चीजों के खिलाफ, इन सभी आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, डॉल्स, टिफिन बॉक्स, सूटकेस और बैग, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल, लाइंग इन अ पब्लिक प्लेस, ये चीजें पब्लिक प्लेस में पड़ी हुई हैं, ट्रेन और बसेस में पड़ी हुई हैं, इन सभी चीजों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, लोगों को एजुकेट करना है। आपको इंदौर पुलिस की ओर से पोस्टर ये ड्रा करना है, लोगों को ये बताना है कि ये सारी चीजें पड़ी हुई हो, तो आपको पुलिस को, पुलिस तक इन्फॉर्म करना है, पुलिस तक इस बात को पहुंचाना है, ताकि एक बम ब्लास्ट होने से बचाया जा सके। ये पोस्टर का यही उद्देश्य है, इस पोस्टर को लोगों को जागरूक करते हुए हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं पोस्टर को ड्रा कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये होगा, क्वेश्चन को आप पहले बहुत अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद आगे पोस्टर को डिजाइन करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्टर को डिजाइन करना। पोस्टर ड्रा करने के लिए हम पहले पूरे पेज पे ये डिसाइड कर लेंगे कि पेज हमारा कितना बड़ा होगा और पेज का सेंटर कहाँ होगा, टॉप से बॉटम और साइड वाइज भी सेंटर कहाँ होगा। टॉप से बॉटम जैसे कि इस पेज पे सेंटर ये होगा, हम मान लेते हैं ये पूरा पेज है, मैंने पोस्टर को डिजाइन करने से पहले ही बॉर्डर बना लिया है, इसके हिसाब से हम पूरे पोस्टर को ड्रा करेंगे। तो सेंटर ये है, टॉप टू बॉटम और साइड वाइज सेंटर यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए पोस्टर को ड्रा करेंगे, ताकि जो चीजें हमें सेंटर पे लिखनी है हम सेंटर पे लिख सकें और जो चीजें साइड पे लिखनी है उसे साइड पे लिख सकें। तो हम शुरू करते हैं। इफ यू आर, इफ यू आर
अलर्ट, इफ यू आर अलर्ट यू कैन एवर्ट, इफ यू आर अलर्ट, अगर आप अलर्ट हैं, सावधान हैं, चौकन्ने हैं, तो यू कैन अवॉइड, आप रोक सकते हैं, आप बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं ये देखना है। तो हम ध्यान देंगे कि पोस्टर हमारा क्या है, बम ब्लास्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार इसे देखेंगे, इफ यू आर अलर्ट, अगर आप अलर्ट हैं, सावधान हैं, चौकन्ने हैं, चौकस हैं, यू कैन अवॉइड, तो आप रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। किससे, किस चीज से बचा सकते हैं, अब बम ब्लास्ट से, बम ब्लास्ट से बचा सकते हैं। तो बम ब्लास्ट लिखने से पहले हम आर्टिकल बम जो होगा वो पहला वर्ड चाहे जो स्टार्ट हो जाएगा वो किस चीज से स्टार्ट, पहला वर्ड हमारा किससे स्टार्ट होगा, वो कंसोनेंट से स्टार्ट होगा, इसलिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। बम ब्लास्ट, यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। अब इसको बनाने के बाद हम थोड़ी सी इधर, अब बम ब्लास्ट है तो बम का मोनो जैसा कुछ बना देंगे, सिंबल जैसा बना देंगे, जैसा कि बुक में बना हुआ है आप देख भी सकते हैं ऐसा कुछ, और फिर इसको वैसे आप बाहर की ओर कर दें और ऐसा ही इधर भी कर दें। ये हो गया आ बम ब्लास्ट। इफ यू आर अलर्ट, अगर आप सावधान हैं, चौकन्ने हैं, चौकस हैं, यू कैन अवॉइड, तो आप रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं, पोस्टर के क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो पोस्टर में देखेंगे बम ब्लास्ट के अगेंस्ट पोस्टर बनाना था आ बम ब्लास्ट। अब आगे देखते हैं, व्हेन यू नोटिस any unclean, when you notice any, आप पोस्टर पे पीछे देखे तो कुछ क्लूज दिए हुए थे, जो क्लूज के साथ हम इस पोस्टर को ड्रा कर रहे हैं। तो क्लू कौन कौन से थे, अपने क्लूज में ऐसे स्टार से या कोई भी सिंबल आप बनाए, तो सबसे पहले था ब्राइट किस, फिर इसके बाद डॉल, फिर इसके बाद आप थर्ड नंबर पे आ जाए टिफिन बॉक्स, फिर फोर्थ नंबर पे आप लिखते हैं ट्रांजिस्टर, फिर इसके बाद अगर कुछ बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो यहाँ पे आप ETC लिखते हैं एक्सेट्रा, ताकि जो चीजें छूट गई वो पूरी आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखने के बाद, उन सारी चीजों को आप दिखाने के बाद, अगर आपको इनमें से कुछ भूलता है तो आप ऐसी चीजों का नाम भी लिख सकते हैं जो बम हो सकती हैं, जैसे मोबाइल हो सकता है, ऐसे ही ड्राइव हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो आपको लगता है कि बम हो सकती हैं और इनमें से कुछ आपको भूलता है तो आप उस सारी चीजों को लिख सकते हैं। और बाकी आपके क्वेश्चन पे दिया हुआ होगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो क्लूज आपको मिल जाएंगे और उसके थ्रू आप इसको ड्रा कर। ये हम देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन देखा था तो क्वेश्चन पे ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती थी उसके बारे में हमें दिया गया था, इसमें हमें क्लूज दिया गया था इन अ पब्लिक प्लेस। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, पब्लिक प्लेस में, बसेस में, ट्रेन, ये सारी चीजें कहाँ, ट्रेन में भी मिल सकती हैं, जो कि ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, बम हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें मिले तो हम करें क्या, हम इमीडिएटली कॉन्टैक्ट
nearest. इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें, तुरंत कॉन्टेक्ट करें, कहाँ? सबसे पास के कहाँ? पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में. और अगर कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, काफी दूर है पुलिस स्टेशन, तो आप अपने मोबाइल से ही डायल 100 डायल करें, पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करें. अगर पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो डायल 100 का यूज करें, मोबाइल से 100 डायल करें. फिर इसके बाद हेल्प इंदौर पुलिस. ये पोस्टर आप इंदौर पुलिस की ओर से डिजाइन कर रहे हैं, ये पोस्टर आप इंदौर पुलिस की ओर से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हेल्प इंदौर पुलिस. वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, इंदौर पुलिस आपकी मदद करेगी. और इसके बाद आप यहाँ से एक बॉक्स लीजिए अलग करने. तो ये था पोस्टर जिसको हम ब्लैक एंड ब्लू पेन की हेल्प से बनाएंगे. इस पोस्टर पे हम कहीं पे भी काट पीट नहीं करेंगे. इसके लिए आप अच्छी प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखें कि पोस्टर की साइज आप पहले से डिसाइड कर लें. अगर आप पोस्टर की साइज पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो किसी प्रकार की मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं होगी. पोस्टर का साइज बड़ा या छोटा होने की संभावना नहीं होगी और आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स पा सकेंगे. मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप 5 मार्क्स इसमें आसानी से पा सकेंगे. और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है. आप ये ध्यान रखें कि टाइम कम से कम लगे, इसलिए आप प्रैक्टिस बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा अच्छा पोस्टर बनाने की कोशिश करें ताकि अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव हो. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे हिट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.